आज हम लोग बनाएंगे चिकन बिरयानी। ये चिकन बिरयानी जो है एक मुगलाई डिश है, तो जिसके लिए हम लोगों को चाहिए लार्ज पीसेस ऑफ चिकन। इस चिकन को पहले हम मैरिनेट करेंगे। इसके लिए चाहिए दही, थोड़ा लार्ज क्वांटिटी में चाहिए दही। तो पहले दही डाल देते हैं हम इसमें। उसके बाद हम ऐड करेंगे लहसुन की पेस्ट, उस पर हम ऐड करेंगे अदरक की पेस्ट, यह है लाल मिर्च पाउडर, यह है कश्मीरी मिर्च पाउडर, यह है गरम मसाला पाउडर, गरम मसाला। उसके बाद हम ऐड करेंगे खरे गरम मसाले, जिसमें है दालचीनी, जायफल, जैत्री, छोटा इलायच, लवंग, बड़ा इलायच, ये भी दे देंगे हम। उसके साथ देंगे प्याज। ये प्याज जो इसे हम बेरेस्था बोलते हैं, इसको हम गोल्डन ब्राउन करके पहले प्याज को हम हीट पे फ्राई करते हैं। ऐसा गोल्डन ब्राउन जब होता है ये स्वीटेस्ट टेस्ट आता है, ये बिरयानी में एक अलग सा फ्लेवर देगा आपको। ये प्याज लेंगे, उसके साथ लेंगे बिरयानी मसाला, आपके कोई भी शाही बिरयानी मसाला यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ लेंगे हम पुदीना और धनिया की पत्ते, और लेंगे सॉल्ट स्वाद अनुसार। और आप इसको आप हाथ से ही मिलाइए, पूरे को अच्छे से मैरिनेट करना होगा। यह अब अच्छे से मैरिनेट हो गया है। इसको हम यूवी छोड़ देंगे 2-3 घंटे के लिए। उसके बाद इसका बिरयानी का प्रिपरेशन हम स्टार्ट करेंगे। हम थोड़ा सा पटाटो को फ्राई करके रख लिया है और अंडे को उबाल के रख लिया है, जो हम आलू और पटाटो अभी देंगे बिरयानी में। आलू का एक अलग सा कहानी है, मैं बिरयानी में आलू सिर्फ कलकत्ता में ही डलता है। अब बिरयानी का राइस बनाने के लिए जो चावल उबलना है, तो इसलिए एक हंडी में हम थोड़ा सा पानी ले लिया और उसे बॉयल होने के लिए छोड़ दिया। ये अभी बॉयल हो रहा है, तो इसमें हम थोड़ा खड़े मसाले डाल देंगे, लौंग, इलायची, दालचीनी हम दे देंगे इसके साथ, थोड़ा बॉयल हो जाए। और अभी हम इसमें 1/2 चम्मच के करीब घी दे देंगे। और इसमें हम अभी 1/2 चम्मच के करीब नमक दे देंगे। अब हम चावल को इसमें डाल देंगे। आहिस्ता आहिस्ता डालिएगा। चावल को इसमें डालने के बाद इसे हम छोड़ देंगे उबालने के लिए। इसे हम 50% से 60% तक ही कुक करना है, ज़्यादा नहीं कुक करना है, मैक्सिमम 60%। बाकी यह पूरे चिकन के साथ होगा। फिर हम अभी चिकन को प्रिपेयर करेंगे, उसका भी रेसिपी मैं दिखा। अभी हम बिरयानी का चिकन को प्रिपेयर करेंगे। तो चिकन को प्रिपेयर करने के लिए जो मैरिनेट किया हुआ चिकन था, हमने 2-3 घंटे से मैरिनेट किया था, मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में। तो इसे हम ऑयल को हीट करके हम पूरा का पूरा ऐसे ही दे देंगे और कुछ नहीं देंगे इसके पहले, क्योंकि इस मैरिनेशन में ही सब कुछ दिया हुआ है। हम धीरे धीरे करके पूरा ट्रांसफर कर देंगे। ये बिरयानी का एक अलग सा कहानी है। कोई बोलता है कि ये परेशियन परसी खाना है, कोई बोलता है कि मुगलों ने इसका शुरुआत किया था इंडिया में, क्योंकि बिरयानी
जो नाम है बिरयानी, ये एक पर्शियन वर्ड बिरयान से आया है, तो इसलिए कोई हिस्टोरियन कहता है कि ये पारसी खाना है, और कोई कहता है कि इंडिया की मुगल्स ने बनाया है ये खाना, पर जिसने भी बनाया है बढ़िया ही है। बिरयानी एक इमोशंस है, खासतौर के बंगालियों के। चिकन को हमने दे दिया थोड़ा सा मीडियम हीट में, इसे थोड़ा सा स्टेयर करके हम ऐसे ही छोड़ देंगे, इसे बस स्लो कुक में कुक होने देंगे चिकन को, कुछ नहीं करना है, इसका ग्रेवी के अंदर सब कुछ है, इसे हल्का सिर्फ कुक होने देना है। पूरे इंडिया में कोई कहता है कि जब औरंगज़ेब ने लखनऊ में अपना राजधानी में शासन कर रहे थे, तब उसने पूरे इंडिया में जो बिरयानी था वो फैलाया, अपने खनसामों को अलग अलग जगहों में भेजा और वहाँ की अलग अलग बिरयानी की टेस्ट को अपने किचन में लाने की कोशिश किया, और ऐसे ही पूरे दुनिया में बिरयानी का कल्चर फैल गया। इससे ही हैदराबादी बिरयानी का भी प्रचलन हुआ, और लखनऊ का जो बिरयानी था उसे आवादी बिरयानी बोलते हैं, इसलिए पहले उसे आवादी बिरयानी बोलता था। और बिरयानी में जो आलू का उपयोग सिर्फ कलकत्ता में ही हुआ था, नवाब नजीमुद्दौला ने शायद किया था, और अंडे का प्रचलन तो हाल ही में ही हुआ है, मैं बात कर रहा हूँ 1398 की, जब बिरयानी इंडिया में आया था 300-400 साल पहले। हीट को हम मीडियम हीट पे रखेंगे और इसे ढक्कन से ढक देंगे, फिर इसे हम ऐसे ही कुक होने के लिए हम इसे छोड़ देंगे। अभी चावल ऑलमोस्ट हो गया है, अब थोड़ा सा देख लेंगे इसे, आपको थोड़ा सा ऐसे लेके थोड़ा सा प्रेस करना है। देखिए ऐसे आसानी से टूट गया, तो इसका मतलब ये ऑलमोस्ट 60% कुक हो गया। अब इस चावल को हम गैस को फ्लेम को बंद कर देंगे, और बंद करके इसे हम ड्रेन कर लेंगे। फ्लेम बंद कर दीजिएगा, नहीं इसका जो हीट है इसमें ही थोड़ा और ये कुक हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ज़्यादा देर तक पकाएंगे तो ये गल जाएगा। चिकन हमारा रेडी हो गया है, अब हम इसका लेयर करके बिरयानी का फाइनल प्रिपरेशन करेंगे। प्रेशर कुकर में पहले ही घी ले लिया, पहले थोड़ा सा घी देने से ये ज़्यादा नहीं इसके अंदर स्टिक होगा। घी को अच्छे से इसके बेस में हम ऐड कर देंगे। अब हम इसकी लेयरिंग करना शुरू करेंगे। अभी हम पहले थोड़ा सा चिकन का ग्रेवी जो है ऐसे बेस के तौर पे इसके ऊपर देंगे हम। अब हम राइस का एक परख देंगे, इसके बाद हम एक लेयरिंग करेंगे जिसमें हम चिकन की पीसेस को देंगे। थोड़ा सा ग्रेवी भी देंगे हम इसके साथ। हम फिर इसमें देंगे आलू, देंगे थोड़ा सा घी, देंगे हम नमक। नमक इज़ वेरी इम्पोर्टेंट है,
अब देंगे ये गरम मसाला पाउडर, अब देंगे हम थोड़ा शाही बिरयानी मसाला, अब देंगे हम बेरेस्ता जिसे फ्राइड ऑनियन कहते हैं थोड़ा सा। अब ये पहला लेयर कंप्लीट हो गया है, इसके ऊपर हम फिर से राइस का एक लेयर देंगे। अब इसके ऊपर देंगे हम फिर से एक लेयरिंग करेंगे। इसमें देंगे हम गरम मसाले, देंगे हम बिरयानी शाही बिरयानी मसाला, हम देंगे इसके अंदर थोड़ा सा ग्रेवी ताकि ये ड्राई ना हो, अब हम देंगे इसमें, अब हम आलू का भी दे देंगे उसके साथ, एक भी दे देंगे। ग्रेवी भी जो है वो ऐड करेंगे और फ्राइड ऑनियन जो है ये भी देंगे, और देंगे हम नमक। और देंगे थोड़ा सा घी। फिर जो राइस है इसको पूरा दे देंगे हम इसके ऊपर, ये फाइनल लेयर होगा इसका। राइस का पूरा लेयर कंप्लीट हो गया। वाह, अभी से क्या खुशबू आ रहा है। तो अभी इसे फाइनल कंप्लीट करते हैं। तो इसके लिए पहले ही हम देंगे इसमें नमक, नमक का स्वाद अनुसार दीजिए, ठीक से चावल के अनुसार आप मेज़रमेंट करके नमक दीजिए। तो इसमें नमक का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, नमक का कम ज़्यादा से इसका टेस्ट ख़राब हो सकता है। नमक दिया, इसके साथ हम देंगे गरम मसाले, इसके साथ हम देंगे शाही बिरयानी के मसाले,
और देंगे हम इसके साथ थोड़ा सा बेहेस्ता फ्राइड ऑनियन, और हम देंगे इसमें घी। घी जो होता है ना, वो अलग सा खुशबू लाता है बिरयानी में। हर तरफ से देंगे और एक ही पॉइंट पे ज़्यादा होंगे ताकि वो वहाँ से नीचे तक जा सके। अब ये है मिल्क में हम थोड़ा सा सेफ्रॉन मिला के रखे हैं, तो ये हम कलर भी आता है और खुशबू भी देता है अच्छे तरीके से। फूड कलर भी यूज़ कर सकते हैं इसे, हम थोड़ा सा चारों ओर थोड़ा थोड़ा करके ऐसे बिखर देंगे। अब हम इसे ढक्कन लगा के छोड़ देंगे लो, इसे हम ढक्कन लगा के लो हीट में 15 से 20 मिनट के लिए पकने के लिए देंगे। सीटी आप उतार के रखिए, सीटी मत दीजिएगा, ठीक है। ये अभी ऑलमोस्ट 25 मिनट के आसपास कुक हो गया है। अब यहाँ से उसका थोड़ा वेपर भी निकलने स्टार्ट हो गया है, देख सकते हैं। इसका मत इसको बंद करके हम अभी छोड़ देंगे, और अभी इसको नहीं खोलेंगे, सिर्फ जब खाएंगे तब खोलेंगे प्लेटिंग के लिए। तो अभी इसको बंद कर देते हैं। बिरयानी अब कम्प्लीटली रेडी हो गया है, इसे हम प्लेटिंग करेंगे।